हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्यूके स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक साहित्य। स्टूडेंट, ये क्लास हमारी पशु परिचर PTET BSTC और CET के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके टोटल क्वेश्चन क्लियर हो पाते हैं, जिससे एग्जाम में इनके गलत होने के चांसेज कम रहेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि हमारे साहित्य के बारे में होने वाली है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वात साहित्य से आशय है। हमारी ऑप्शंस है, ऑप्शन इतिहास पर ग्रंथों से, ऑप्शन बी कथा या कहानी से, ऑप्शन सी है वीर गाथा संबंधित ग्रंथों से, डी है राज्य वंशों की वंशावली से संबंधित ग्रंथों से। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने उन फ्रेंड्स को जरूर भेजिएगा जो राजस्थान में गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको GK क्लासेज के साथ साथ में जो पशु परिचर का पार्ट बी है, पशुपालन विज्ञान, उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पर जा करके वो क्लासेज भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी कथा या कहानी से। जो वात साहित्य है उसका संबंध होता है कथा या कहानी से। स्टूडेंट, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से उनका जवाब भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना किसने की थी। हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कवि कल्लान, ऑप्शन बी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन डी है सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर है ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया द्वारा जो पातल और पीतल है उनकी रचना की गई थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कन्हैयालाल सेठिया है उनका जन्म चूरू जिले के अंदर जो सुजानगढ़ कस्बा है वहां पर 1929 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोवले माला किसके द्वारा लिखी है। ऑप्शन से ऑप्शन ए चंद्रबरदई, ऑप्शन बी है हरिभद्र सूरी, ऑप्शन सी है उद्योतन सूरी, ऑप्शन डी है GH ओझा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी उद्योतन सूरी के द्वारा कुवले माला लिखी गई थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस ग्रंथ के अंतर वत्सराज के समय की राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लेखक सुमेलित नहीं है। एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ है लेखक, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी है प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचार्य, ऑप्शन सी है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन डी है प्रबंध कोश हरि सेन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रबंध कोश, जो कि हरि सेन है, यह सही सुमेलित नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो प्रबंध कोश है यह एक प्रकार से संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यह जो कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, इसमें 24 उपख्यान और 4300 श्लोक सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मतीराम ललित लमा, ऑप्शन बी है नरहरिदास अवतार चरित्र, ऑप्शन सी है दयाबाई दयाबोध, ऑप्शन डी है सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन डी सोमनाथ सुजान चरित्र, जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सुजान चरित्र है वह सुदन कवि के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए जय सिंह नीरज, ऑप्शन बी रामोतार अग्रवाल, ऑप्शन सी महाराजा बक्सिंग, ऑप्शन डी है सावंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी रामोतार अग्रवाल के द्वारा मारवाड़ म्यूरल्स लिखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस पुस्तक का प्रकाशन 1977 में किया गया है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी है ढूंढाड़। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी मेवाड़। मेवाड़ के अंदर जो शैली है उसके अंदर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह ग्रंथ तेज सिंह के शासन काल में जो कि 1261 ईस्वी और विक्रम संवत 1317 में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, एक तरफ पर लेखक दूसरी तरफ पर रचना? हरिभद्र सूरी, दूरत्याख्यान, उद्योतन सूरी, कुवले माला सी है जिनेश्वर सूरी, माधवानल डी है पद्मनाथ कानंदे प्रबंध, जो माधवानल कामल। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर है ऑप्शन सी जिनेश्वर सूरी, जो कि माधवानल काम कदला की रचना नहीं की गई है, क्योंकि जो माधवानल काम कंदला की रचना है ये गणपति के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए विजयदान देता, ऑप्शन बी विजय सिंह, ऑप्शन सी है पत्तिक माणिक्य लाल वर्मा, ऑप्शन डी है शिवचंद्र भरतिया। स्टूडेंट, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी में विजय सिंह पत्तिका आएगा और सी पूरा ऑप्शन है माणिक्य लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर है ऑप्शन ए विजयदान देता के द्वारा बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ की रचना की गई है, और इन्होंने जो बातारी फुलवारी ग्रंथ है उसके साथ साथ में टीडो राव, अखेलू हिटलर, रुख आदि ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, तो हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मोहन और नेनसीरी ख्यात, ऑप्शन बी है बांकीदासरी ख्यात, ऑप्शन सी है दयालदासरी ख्यात, ऑप्शन डी है मारवाड़ परगनानी विगत। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए मोहन और नेनसीरी, जो ख्यात है वह राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ख्यात कौन क्या होती है, तो इसके अंदर जो शासकों की गौरव गाथापूर्ण वंशावली का चित्रण किया जाता है वह ख्यात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेद कसार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजीत सिंह, ऑप्शन बी अभय सिंह, ऑप्शन सी जोरावर सिंह, ऑप्शन डी ए गज सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 में सही आंसर है ऑप्शन सी जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के द्वारा वेद कसार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ऑप्शन से एक तरह पर लेखक दूसरी तरह पर रचना। नरहरिदास अवतार चरित्र, ऑप्शन बी है दिजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म, ऑप्शन सी है ज्योतिरिंद्रनाथ चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर है ऑप्शन बी, जो दिजेंद्र है राय है लाल राय है उन्होंने राजस्थान का भीम की रचना नहीं की है। दिजेंद्र लाल राय के द्वारा आर्यगाथा और बंदर की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी गोविंदान देता, ऑप्शन डी है कन्हैयालाल सेठिया। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर है ऑप्शन बी श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद पुस्तक की रचना की गई है।
साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वीर विनोद के अंदर उदयपुर राज्य का इतिहास वर्णित है और जो श्यामल दास है उनका संबंध भीलवाड़ा जिले से है। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। और उम्मीद करता हूँ आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है। हमारे सामने एक कथन दे रखा है और पूछा गया है कि ये कौन से कथन के बारे कौन से ग्रंथ के बारे में कहा गया है। ऑप्शन है ए राजरत्नाकर, बी राग कल्पम द्रव, और सी है वंश भास्कर, डी है श्रृंगार हार। क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर है ऑप्शन बी राग कल्प द्रम के बारे में कहा गया है कि नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो राग कल्प द्रम है उस ग्रंथ की रचना मेवाड़ निवासी कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई है और इस ग्रंथ का जो संबंध है वह संगीत से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजधानी कथा का रूपांतरण था। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी शिवचरण भारतीय, ऑप्शन सी है मुरलीधर व्यास, ऑप्शन डी है विजयदान देता। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर है ऑप्शन डी विजयदान देता। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्णी शतक चूड़ा शतक तथा हाडी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी है। ऑप्शन है ऑप्शन ए नातू सिंह मही यारिया, ऑप्शन बी सवाई सिंह धमोला, ऑप्शन सी चंडी दान संधू, ऑप्शन डी ए मुरारी दान। क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर है ऑप्शन ए नातू सिंह मही यारिया के द्वारा कर्णी शतक चूड़ा तथा हाडी शतक जैसी पुस्तकों की रचना की गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी विजयदान देता, ऑप्शन सी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ऑप्शन डी है मनोहर प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर है ऑप्शन बी विजयदान देता। जो पहली आधारित फिल्म है जिसका निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया है वह जो विजयदान देता है उनकी कहानी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है। ऑप्शन है ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी जयसिंह, ऑप्शन सी गुणवास, ऑप्शन डी रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर है ऑप्शन बी जयसिंह। जयसिंह ने हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राजचुटिया के रचयिता थे। ऑप्शन है ऑप्शन ए केसरी सिंह भारत, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी दामोदर दास राठी, ऑप्शन डी है राव गोपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 में सही आंसर है ऑप्शन ए केसरी सिंह भारत के द्वारा चेतावनी रा चुंगटिया की रचना की गई है। क्वेश्चन जो चेतावनी रा चुंगटिया है इसके अंदर जो 1903 के अंदर उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह है उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरबान था। ऑप्शन है ऑप्शन ए वंश भास्कर, ऑप्शन बी अभ्युदय, ऑप्शन सी सूरज प्रकाश, ऑप्शन डी है राजरूपक। क्वेश्चन नंबर 20 में सही आंसर है ऑप्शन डी राजरूपक। राजरूपक जो कि लेखक वीरबान द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो वंश भास्कर है यह सूर्य मल मिश्रण के द्वारा, जो अभ्युदय है ये नरेंद्र कोहली के द्वारा, और जो सूरज प्रकाश है ये कन्नीदान के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
जिन बद्र ज्ञान भंडार जो प्राचीन ताड़ पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए झालोर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी है झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 21 में सही आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। जो जिनबद्र ज्ञान भंडार है वह जैसलमेर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रसाद मंडन, ऑप्शन बी रूप मंडन, ऑप्शन सी वास्तुसार मंडन, ऑप्शन डी है कला मंडल। 22 में सही आंसर है ऑप्शन डी कला मंडल, जो कि मंडन के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। बाकी जो प्रकाश मंडन, रूप मंडन और वास्तुसार मंडन है, ये मंडन के द्वारा लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? क्वेश्चन है, ऑप्शन ए कविमान, ऑप्शन बी हेम कवि, ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन डी श्यामल दास। क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर है ऑप्शन ए कविमान के द्वारा राजविलास की रचना की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कविमान है यह मेवाड़ के महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन मध्यकाल का साहित्यकार नहीं है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आशा वाहरट, ऑप्शन बी कवि कुशल लाभ, ऑप्शन सी दुर्सा हाड़ा, ऑप्शन डी है सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 24 में सही आंसर है ऑप्शन डी सूर्यमल मिश्रण, जो कि मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 1815 के अंदर बूंदी जिले के हिंडोली तहसील के हन्ना गांव में हुआ था। इनके द्वारा जो रचित की गई रचनाएं हैं उनके अंदर वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रज्जाट, वलवद, विलास, छद्मयु, धातुरूपावली एवं सती रासो हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केसरीनाथ, ऑप्शन बी अविंद्रनाथ, ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन डी ए कन्हैयालाल। क्वेश्चन नंबर 25 में सही आंसर है ऑप्शन सी रमेश चंद्र दत्त के द्वारा राजपूत जीवन की संध्या उपन्यास लिखा हुआ है। स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।